subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. किस तरीके से जो हालत था, मूवमेंट था उस समय में लोगों को खाना खिलाना, लोगों को उनको ट्रांसपोर्ट करवाना, उनको आधार कार्ड लेके उनको श्रमिक ट्रेन बस में इन लोगों का नाम एनरोल करके बाद में अपने अपने घर भेजने के लिए पूरा देश भर भारतीय युवा कांग्रेस ने कम से कम उस समय में 600 हमारा वॉलेंटियर, सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, हमने इसी पे फोकस किया। ये कम से कम हमने करते करते 4-5 महीने लगातार किए। उसके बाद हमने जो माइग्रेंट लोग है जॉब लॉस से जो गारमेंट्स में काम करते थे उनको रॉ मटेरियल दिए, मास्क बनाया, 1 करोड़ मास्क बना के उन्हीं के हाथ से पूरा बांटने का काम किया। उसके बाद में दोबारा 2021 मार्च 7 तारीख हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ। वो यूथ कांग्रेस का सबसे हाईएस्ट बॉडी होता है, उसमें सारे नेशनल ऑफिस बेरर और स्टेट प्रेसिडेंट, दिल्ली में हुआ बैठक यूथ कांग्रेस रायसीना रोड पे, उसमें 2 दिन रहा। हमारा नेता राहुल गांधी जी 7 तारीख आए, वो उसमें हमारा रेजोल्यूशन पास होता है, आने वाला 6 महीने का हमारा जो रोड मैप तय होता है उसमें पहला प्रेफरेंस पेंडेमिक को दिया, कोरोना को, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करना, ये तीनों डिसीजन हुआ। उसके बाद में इमीडिएट 600 जो वॉलेंटियर था वो 1000 लोग को बना दिया। पहली बार ये मेडिकल जो इमरजेंसी आया, हमको पता नहीं था ये इतनी क्राइसिस आएगा करके, बट हमने टीम बनाया, किस तरीके के मदद करना हमने सारे प्लान करके रखे थे। जब ये स्टार्ट होने के पहले SOS हमने इस बार सोशल मीडिया में कुछ लोग है तो वो ज्यादा सोशल मीडिया में कंफर्टेबल भी है, एक्टिव भी है, ऐसे लोग के लिए फेसबुक और ट्विटर का हमने एक ऑप्शन रखा। दूसरा ऑप्शन था जो व्हाट्सएप में और सीधा फोन कॉल्स, जो कुछ माइग्रेंट लेबर ऐसे लोग के लिए नीचे लेवल तक जाने के लिए ये ऑप्शन रखे हमने काम स्टार्ट किया। दिल्ली में 100 वॉलेंटियर कर रहा है, उसमें बैकएंड ऑफिस में 20 पीपल काम कर रहा है, जो फील्ड में सबसे ज्यादा है वो जो हॉस्पिटल में बेड आइडेंटिफाई करने का एक टीम है, जो प्लाज्मा किसको कोरोना आके रिक्वायर हुआ है उनके घर पे जाके रिक्वेस्ट करके उनको डोनर को लेके आके ब्लड बैंक में डोनेट करने का वो एक टीम है, कुछ मेडिसिन इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल में देना और कुछ आइसोलेशन किट होम डिलीवरी देना, कुछ लोगों के घर पे 5-7 लोग भी कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव है, तो घर पे सारे लॉकडाउन के वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे घर को भी थोड़ा खाना लेके भेजने का, ये तमाम मदद करने का काम अभी जो टीम कर रहे हैं। तो ये 100 लोग के साथ, इतना बड़ा शहर है दिल्ली, करीब 2.5-3 करोड़ की आबादी होगी सब मिला के, और आपके पास तो सब जगह से रिक्वेस्ट आती है, तो 100 आदमी से आप ये सब कुछ कर पाते हैं? नहीं, ये जो मेन स्ट्रीम में ये लोग मॉनिटर करता है जो 100 लोग है, हमारा सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का भी है, जो 14 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में वहां भी हमारा यूनिट काम कर रहा है, जो इसमें हमारा बंदा वहाँ इनकेस जलक जनकपुरी में कुछ इंसिडेंट हुआ, वहाँ का बंदा वहाँ उनके हमारा कोऑर्डिनेटर से हमारा ऑफिस बेरर से बात करेगा, फला एड्रेस में ये रिक्वायरमेंट है, आप उनको पहुँचाने का काम, उसके पास वो अवेलेबल है क्या नहीं है वो पता करेगा, अवेलेबल है तो इमिडिएट वो डिलीवर करेगा, नहीं तो हम लोग ने कहीं से रिसोर्स करके उनको मदद करने का काम करेंगे। आपके पास एक दिन में कितना रिक्वेस्ट आता है ऑक्सीजन का, कितना रेमडेसिविर का, कितना हॉस्पिटल बेड्स का? देखिए अभी पर डे कम से कम 10,000 के ऊपर रिक्वेस्ट आता है, उसमें कुछ दूसरा स्टेट का भी रहता है, वो दूसरा स्टेट का हमने सेग्रीगेट करता है स्टेट वाइज, उसको सेग्रीगेट करके उस स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेरर के पास उसके टीम के पास पुश करता है। जो दिल्ली में जो केसेस है उस पे, वो भी क्रिटिकल केसेस कौन सा है, सबसे ज्यादा जरूरत किसका है, वो एक छोटा मदद से किसी का जान बच जाएगा। अभी दिनीत, क्योंकि आप तो सीमित साधन है, साधन तो असीमित नहीं है, तो वो ये कौन फैसला करता है, ये भी एक तरह का आप भी ट्रायजिक करते हैं, पर कैसे करते हैं? ये इंटेंट जो हमने देखता है उन लोग का केसेस इमरजेंसी, उसका सैचुरेशन कितना है, उसको ऑक्सीजन बेड का जरूरत है, उसका लेवल क्या है,
तो उसको उसमें भी हमने देखता है मिनिमम 85-88 है तो उसको ऑक्सीजन बेड का जरूरत होता है, जो 80 से नीचे आ रहा है तो उनको वेंटिलेटर का जरूरत है। तो 90 में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है थोड़ा, ऐसे लोगों के लिए वोम में बेड नहीं मिल पाया इमिडिएट, ऐसे लोगों को जो सिलेंडर हमने घर पे प्रोवाइड कर देता है, एटलीस्ट जब तक उनको बेड नहीं मिलेगा तब तक थोड़ा उनको सांस लेने को थोड़ा आराम भी मिल जाए पेशेंट को, ना पैनिक ना हो जाए। हमने देखा दिल्ली में इतनी कहीं भी आप जाएगा एक दो मिनट में आवाज सुनेगा एम्बुलेंस का, तो लोग क्यों मरा है? लोग कोरोना से नहीं मरा है, लोगों को जो बेड सही समय पे बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है इसकी वजह से लोग मरा है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर 15-20 एम्बुलेंस लाइन पे लगते थे, किस तरीके का लोग का उनका हालत उनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई ना कहीं पैनिक हो गया। उसमें भी सबसे ज्यादा लोग जो मरा है वो हार्ट अटैक से मरे, कार्डियक से। तो 3 हॉस्पिटल में घूमे उनको मिला नहीं, बेड नहीं मिला तो कहीं ना कहीं डर के वो हार्ट अटैक होके मरा है। श्रीनिवास अपने बारे में कुछ बताइए, आप कब से राजनीति में आए, आप NSUI में पहले आए? हाँ, ये एक्चुअली मैं क्रिकेट प्लेयर था। बॉल लग के मेरे को एक्सीडेंट हो गया, सो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया आगे। तो उस समय नेशनल कॉलेज बसनगुड़ी बैंगलोर में मैं पढ़ता था, थोड़ा वहाँ कहाँ चोट लगी, आँख में चोट लगी? राइट आई पे मेरे को चोट लगे, उस समय में मैं साइड पे खड़ा था कहीं से, वहाँ बहुत कम से कम 20-25 जो अलग अलग नेट्स चलते रहे वहाँ अलग अलग प्रैक्टिस कर, कहीं से मेरे को बॉल आके लग गया, बट डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ आप आग को, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया। तो फिर बाद में 6 महीने के बाद में वो RD रेटिना डिक्लाइन हो रहा था। अच्छा। हाँ, वो बाद में ऑपरेशन हुआ, 1.5 साल हुआ रिक्वायर होने में। तो फिर बाद में यूथ कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने इलेक्शन प्रोसेस लेके आया उसमें मैं मेंबर बन के चुनाव लड़ा, 3री प्लेस आया, जनरल सेक्रेटरी बने। तो उसके बाद यहाँ ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने, या इंटरव्यू था राहुल गांधी जी इंटरव्यू लिया था, ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर इंटरिम प्रेसिडेंट, अभी परमानेंट प्रेसिडेंट। ये बताइए कि आपने कांग्रेस क्यों चुनी? आप तो कोई भी पार्टी में जा सकते थे, और उस टाइम तक तो BJP भी बढ़ रही थी कर्नाटका में, और JDS आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी का सोच था, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया। मैं भी जो नेशनल कॉलेज था HNRC वो भी गांधीवादी थे वहाँ। आपने जो काम किया इससे कुछ प्रतिष्ठा बढ़ेगी पार्टी के दोबारा से? नहीं, मैं ये देखिए इसमें हमने ज्यादा ध्यान नहीं देते है, क्या हुआ हमारा हमेशा फोकस है लोगों को मदद। जो मैं अध्यक्ष रहा उससे पहले भी बहुत सारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, वहां उत्तराखंड में आपदा आया था उसमें हम भी 2 महीने काम किया था, उसमें भी जो भी काम करेगा पार्टी के लिए नहीं है। इस समय में लोग परेशान है, लोग इस समय में उसके दिमाग में क्या सोच है आप कोई इमेज नहीं सकते। एक एक परिवार में 2-3 लोग उन लोग ने खो चुका है, सभी लोग परेशान है इस समय में। जॉब लॉस है, कोई युवा को जॉब नहीं मिल पा रहा है, जो जॉब था वो भी चले गया, किस तरीके से लोग जी रहे हैं हम इमेज नहीं कर सकते। एक अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सोच है इस समय में लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करना, यही हमने सोच रख के लोगों को मदद करने में लगे, तो आगे भी रहेगा, आगे भी मदद करेंगे, आगे भी लोगों के साथ हमेशा कोई पार्टी खड़ा रहेगा वो कांग्रेस पार्टी पड़ा रहेगा। अभी सबको आपको भी और सारे लोगों को भी समझ में आ गया, दौड़िए अभी राजनीति करना नहीं, मैं क्लियर ये बात बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने एक शब्द क्लियरली बोला नेशनल एग्जीक्यूटिव में, राजनीति आप लोग साइड पे रखो, इस पे राजनीति छोड़ के लोगों को दिल से सेवा करने के लिए बोला है। हम वही एक फोकस है, मैं राजनीति ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ इसमें ज्यादा, इसी पेंडेमिक में और
क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहता हूँ। आपको तो दूसरी पार्टी के लोग भी बहुत टैग करते हैं मदद के लिए, आपको उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम इस समय में कौन हमको टैग कर रहे हैं, कौन सा पार्टी को, वो कभी हम सोचे नहीं है। बाद में पता चला दो तीन जो ये भी हो गया कंट्रोवर्सी भी, आपको भी पता है। बट हमारा मकसद क्या है इस समय में, हम क्या कर रहे हैं, किसको कितने जल्दी मदद करने से किसको फायदा होगा, वो हमारा सोच रहेगा। हमको बहुत सारा पार्टी लोग फोन करते हैं, हम टैग नहीं कर सकते आपको, थोड़ा वहाँ एक को बेड का जरूरत है, फोन करता है, हमने उनको सपोर्ट करता है, भैया इस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वहां जाएगा, वहां आपको मिल जाएगा। सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल ही ढूंढते हैं, उसके अटके भी बहुत सारा हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, वहां ज्यादा लोग जाता नहीं। अभी कोरोना के समय में कोई भी मिल जाए तुरंत, आपने बोल दिया वहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड है, तुरंत वहां चले जाते। ऑक्सीजन बेड नहीं तो भैया हमारे पास सिलेंडर है, खाली बेड दिला दो, जस्ट ट्रीटमेंट दिला दो, ऐसे भी जाले खुद लोग जाके एडमिट हो जाते। इसमें माध्यम बन के लोगों को रास्ता दिखाना है। श्रीनिवास, दिल्ली में तो एक अलग सिचुएशन है, बाकी जगह तो एक रूलिंग पार्टी होती है, दिल्ली में दो रूलिंग पार्टी है, एक स्टेट की आम आदमी पार्टी और एक सेंटर की है बीजेपी। तो आपको जो ये रिक्वेस्ट है दोनों पार्टी से, दोनों रूलिंग पार्टी से आती है? दोनों पार्टी का कार्यकर्ता वो कुछ नेता भी हमको कॉल किया है, मैं तो अभी इसके बारे में चर्चा करेगा, फिर वो पॉलिटिक्स हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। इसमें इस समय में देखिए, कोई भी घर में हो, कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, किसी का किसी को वो लोग कांटेक्ट करेगा, जो पहले मदद करेगा उसका मदद लेना पड़ता है, कोई भी, मैं भी हो, कोई भी हो। तो उस समय में, उस समय का भी एक एक मिनट भी पेशेंट के साथ किस तरीके से कुछ भी होने का घटना हो सकता है, उस समय में कोई ये नहीं देख सकता, हम भी कभी ऐसा नहीं देखते। एक ही मकसद होगा, मदद करना है। कुछ केस ऐसे हैं एक तो जो आप मुझे बताना चाहेंगे, जो जिससे आपको बहुत दिल को तसल्ली हुई हो, या कुछ ऐसे केस जो याद रह गए हो, किसी पेशेंट ने कुछ कहा हो या पेशेंट के परिवार ने कुछ कहा हो? बहुत सारा केसेस है। मैं एक शिल्पी सिंह करके, उनके परिवार में चार लोग कोविड हो गया था, वो उनके हस्बैंड तो बहुत सीरियस हो गया था, उसका 20 के ऊपर उनके चेस्ट में एक इन्फेक्शन हुआ, फैल गया था। तो ऐसे केस में वो कम से कम 22 दिन वो आईसीयू पे था, उनके वाइफ को भी वेंटिलेटर पे डाला, बाद में वो रिकवर, उनका छोटा दो बच्चे थे, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, वो 10 दिन के बाद वो दोनों पार आ गया। बाद में कुछ अचानक मेरे को फोन आया एक दिन, मेरे को पता नहीं, हमने एडमिट करवा दिया, बाद में उनको रोज थोड़ा खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था करवा दिया तो हमने भूल गया। बट एक दिन अचानक आके रो रही थी, मैंने बोला ये क्यों रो रहा है, बता दो, पहले रोना बंद करो, आप थोड़ा हिम्मत लेके बताओ क्या मदद चाहिए। नहीं, वो तो नॉन स्टॉप ही नहीं, फिर उसको हस्बैंड को दिया, बाद में बच्चे को दिया, सारे एकदम इमोशनल हो गया। बाद में हमने पूछा, मैं शिल्पी सिंह हूँ, आप लोग ने मदद किया था, आज हम चारों जिंदा है, आप लोग ने सही समय पे हम लोग को एडमिट करवाए थे, हम जिंदा आ गया, थैंक यू करने के लिए वो फोन। वो एकदम थोड़ा हम लोग को भी इमोशनल हो गया। बट मैं एक व्यक्ति को हमने मदद करने के लिए उनसे मैंने बात किया था, LNGP हॉस्पिटल के बाहर मैं कहीं किसी को मेडिसिन देने गए थे, वहाँ वापस आने के मैं उनको बोला मैं अंदर जाके वापस आऊँगा, बाद में तुमको मैंने इनको एक हॉस्पिटल भी मैंने उनको आइडेंटिफाई किया था, तो कंफर्मेशन भी हो गया था नोएडा में मेडिकल कॉलेज में, उसको बेड भी कंफर्म हो गया था। तो अंदर जाके बाहर आने के अंदर के मैक्सिमम 25-30 मिनट के उस व्यक्ति ने दम तोड़ चुका था। वो मेरे को वो सबसे ज़्यादा दुख हुआ। मैं ही अंदर जाने के टाइम में कम से कम 7 मिनट उनसे बात करके गया, वापस आने के अंदर मैक्सिमम 30 साल का वो शायद साथी है, वो तो मौत हो गया, वो तो मैं भूल नहीं सकता। हमारी रिपोर्टर है उन्नति शर्मा, वो पूछ रही है कि कुछ दूसरी पार्टीज आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी करती हैं? कुछ लोग ने कोशिश किया, वो लोग ने एक आध दो बार फोन किया हम लोग को कोऑर्डिनेशन करके करना है,
हमने तो हमारा तरफ से हमने बोल दिया आप कहीं भी बोलो देश में, आपको कहीं मदद चाहे तो मैं, हम लोग एक नंबर भी दे दिया। तो मेन हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी उसमें ऐड करवा दिया था। स्टार्टिंग में कुछ लोग किया, बाद में पता नहीं है क्यों वो लोग ने वापस कंटिन्यू नहीं किया। आप तो राहुल होना चाहिए, हाँ ये कोऑर्डिनेशन सारे संगठन से होना चाहिए, हो गया तो और अच्छी लेवल पे लोगों को मदद कर सकते। होना चाहिए आपके, हाँ इस समय राजनीति छोड़ के सबको कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, करना चाहिए। ये देखिए यह सरकार को भी एक्सपोर्ट्स के साथ बैठना चाहिए, हाँ ये कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। इस पर वो बहुत बड़ी बात नहीं है, या इतना इंडोर स्टेडियम है, वहां इंडोर स्टेडियम में सेंट्रलाइज एसी है, वहां आपको मैक्सिमम 4-5 दिन में आपको 2000 बेड सेटअप कर सकते हैं, ऑक्सीजन बेड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक्सपोर्ट्स के साथ बैठ के ऑल पार्टी मीटिंग करके जल्दी से जल्दी जो भी डिसीजन लेके, डिसीजन होना है इमीडिएट, उसको एक्शन प्लान के साथ करना। और तीसरी वेव आ रहा है उसके लिए क्या करना, अभी से डिस्कशन होना चाहिए सरकार को, उसके लिए तैयारी होना चाहिए। सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तीसरी वेव आ सकते हैं बहुत बुरी तरह, तो फिर जब तक आएगा, 8 महीने गैप था, दिल्ली में 220 बेड मात्र बढ़ा है आईसीयू का, 8 महीने इतनी बड़ी लेवल पे मौका भी था, टाइम था, कुछ भी कर सकते थे, तो लोग ने किया नहीं है। नॉट ओनली दिल्ली, आप टोटल दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, वो है कि कितना मैक्सिमम या 10-15 हॉस्पिटल में जो है ना जो वेंटिलेटर है, उतना पूरा यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है। अभी तो वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, मैं अभी मेरा फर्स्ट डोसेज 2 दिन पहले मैंने लगवाया। मैं सबको भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, वैक्सीनेशन जरूर आप लोग लगाइए, लगाना जरूरी है। आप लोग जाके तुरंत वेबसाइट में एनरोल करके कोई भी कहीं भी स्लॉट मिले खड़े होके लाइन पे, जो भी वैक्सीन मिले कोई भी लेना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए। कोई भी जो अभी कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन है, जो भी मिल रहा है वो लेके लगाना। भारत को अगर अभी इस क्राइसिस से निकलना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अभी मैं युवा संगठन का अध्यक्ष होके देश का सारे युवा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बाहर आइए, बाहर आके लोगों के साथ खड़े हो जाए। कोई व्यक्ति को कोरोना हो गया तो आपको इमीडिएट ऐसे कुछ नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, आपके जो कॉलोनी में कोई 4 लोग कोविड इफेक्ट होके घर पे पड़ा है, एटलीस्ट आप डिस्पोजेबल पैक बना के खाना बना के भी मदद कर सकते हैं, वो भी एक मदद है। उनको कोई मेडिसिन का जरूरत है वो भी आप लोग ने कर सकते हैं, ब्लड डोनेट करना, जो स्पेशली जो कोरोना पॉजिटिव हो के नेगेटिव हो गया 15 दिन के बाद, वो लोग ने प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर ने सबसे ज्यादा अभी प्लाज्मा थेरेपी लिख रहा है, एक व्यक्ति 18 साल से 60 साल तक 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। मदद करने के लिए बहुत तरीका है, सब लोग बाहर आके एक ओके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना, लोगों को मदद करना, ये भारत का ये संस्कृति है, लोगों को मदद करना, लोगों को सेवा करना, ये वापस हमने जो न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं इससे दूर है, वापस हमारा जो संस्कृति है उस पे आने के लिए मैं सबसे।